और सांसद महेश गिरी से भी समाचार प्लस ने खास बातचीत किए हैं। महेश गिरी से बातचीत में उन्होंने विपक्ष के पीएम के माफी मांगने की बात पर कहा है, बैठक में कुछ तो हुआ जो बात निकलकर सामने आई। सांसद महेश गिरी से खास बातचीत हमने की है, संतोष पाठक हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद महेश गिरी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से गुजरात का विधानसभा का एग्जिट पोल आया, जिस तरह से हिमाचल का एग्जिट पोल आया, एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और 2/3 बहुमत हमें मिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन सदन में विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि पीएम माफी नहीं मांगेंगे तो हम सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, सभी को विदित है कि एक बैठक हुई थी पाकिस्तान के पूर्व नायक के साथ। इस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सब बातें हुई नहीं, और ऐसे वक्त में बैठक करने की आवश्यकता क्या थी? बैठक के बाद में भी हो सकती थी, तो इसके पीछे कुछ न कुछ होगा, इसलिए तो बात बाहर आई। आपसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेश गिरी जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि उस बैठक में इस तरह की जरूरत नहीं थी, बैठक में कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा जिसको लेकर ये बात बाहर आई और विपक्ष की मांग सही नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।